अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? सब खैरियत से होंगे? आज ईद का तीसरा दिन है और हम लोग बैठे हुए हैं छत पे, और आज टिक्के छिक्के लगाने का प्रोग्राम है। बाहर जाना था हम लोगों ने घूमने के लिए, और बाहर जाके टिक्के लगाने थे, लेकिन हवा बहुत तेज़ चली हुई है, उस वजह से हम बाहर नहीं जा सके। तो अभी सब लोग यहाँ पे हैं और देखें हमारे दोस्त सब जमा है। ये जी हमने आग जला दी है, और ये हमारे बैठे हुए हैं वाजिद भाई जो इंडिया से तशरीफ़ रखते हैं, और ये डोगर साहब हैं, और ये राणा सी पाशा साहब हैं जो हमारे मेहमान खसूसी हैं आज के, और वो हमारे चाचा हैं जो इंडिया से तशरीफ़ रखते हैं, और ये मुर्दा भाई साहब हैं। और इंशाल्लाह हमारी आग जल चुकी है, अब इंशाल्लाह बोटियाँ छोटियाँ लगती हैं तो फिर खाते हैं और इंजॉय करते हैं। ये जी एक बार हमने निकाल लिए हैं और तैयार हो गए थे, तो वो हमने खा लिए हैं। एक बार सब खा के बैठ गए हैं आराम से, और इंतज़ार में है कि अभी दोबारा तैयार हो जाएं, और इंशाल्लाह जैसे ही दोबारा तैयार होते हैं फिर उसके बाद खाते हैं, क्योंकि ये गर्म गर्म ही खाने वाले होते हैं। जैसे जैसे तैयार होते जाएँ खाते जाते हैं तो मज़ा आता है। इनको बेहतरीन और बिल्कुल नरम बनाने का तरीका ये है कि इनको तकरीबन 8 घंटे पहले मसाला वगैरह लगा के फ्रिज में रख दिया जाए, फ्रीज़र कर दिया जाए, तो ये ज़रा सॉफ्ट और नरम हो जाते हैं अंदर से, और बहुत मज़े के बनते हैं। और ये राणा साहब, ये जो राणा साहब हैं, ये अब अपना खसूसी कुछ तजर्बा दिखाएंगे, क्योंकि ये अक्सर बारबेक्यू करते रहते हैं। पठान जो जोर का ना घूम घूम के मारन डया होया सी, तां नु कंकर के मारन गए रे, ओथे पत्ते चाड़ के जा। जोश बहुत ज्यादा आ जाता है ना, इंसान सोचता है कि सारी जिंदगी ने मैं वरगला ही रखा, तो अज इन्हें को बदला ले ला मैं। हाँ जी, आज लास्ट डे सी कंकरियां मारन दा। जी एक दिन सत मार गए, एक दिन चेक नु मारनियां ने, तिना नहीं वाइटियां ने, सत सत। ये लें जी, ये अब तैयार हो गई है टिक्का बोटी, और उतार लो, अब इसको उतार के तो फिर डोकर साहब भी पास आ गए हैं माशाल्लाह, आस्ता आस्ता सारे नज़दीक आ गए हैं। इसकी खुशबू और मज़ेदार, इतना लजीज लग रहा है देखने में ही, इंशाल्लाह खाएंगे तो बताएंगे। ये जी अब टेस्ट करके बताएंगे साहब कि कैसा बना। यार आ चाचा, मजा नहीं आया तेरे को बगैर। हाँ मुर्जा भाई, कैसे बन गए? टेस्टी। अच्छा जी, जी राणा साहब, टिक्का बड़ा मजेदार है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है।